नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कल देर रात बीए सोशल साइंस का 13वें राउंड का जो रिजल्ट है बीएचयू मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए वो घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ बीए सोशल साइंस का फर्स्ट राउंड पेड का जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, वो भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ बीए आर्ट्स का 13वें राउंड का बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय का रेगुलर और पेड सीट का भी रिजल्ट जारी किया गया। इसके साथ ही साथ बीए आर्ट्स का 10th राउंड का एफिलिएटेड कॉलेजेस का रेगुलर प्लस पेड सीट का रिजल्ट भी कल देर रात तक घोषित कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इन दोनों कोर्सेस के कट ऑफ के बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी मैथ्स एंड बायो ग्रुप का जो अगले राउंड का जो कट ऑफ है वह अभी घोषित नहीं किया गया है। साथ ही साथ बीकॉम ऑनर्स एंड मैनेजमेंट ऑनर्स के अगले राउंड के कट ऑफ के आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही साथ अगर हम एक सूचना आपको मॉपअप राउंड के बारे में दें, तो मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है वह कल यानी 18 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। जैसे ही इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा मैं आपके साथ हमेशा की तरह से साझा करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब बिना देर किए हम लोग बात करते हैं बीए सोशल साइंस का 13वें राउंड का मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के लिए और साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए जो रिजल्ट कल देर रात यानी 16 नवंबर 2022 को जारी किया गया है, उस कट ऑफ को साफ साफ समझते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एफिलिएटेड कॉलेजेस के फर्स्ट राउंड पेड सीट का भी रिजल्ट कल घोषित किया गया है। आइए हम लोग बिना देर के इस कट ऑफ को समझते हैं। सबसे पहले अगर एफएमसी में हम बात करें तो एफएमसी में जो कट ऑफ है वह किसी भी कैटेगरी में नीचे नहीं गया है, यानी वो वहीं पर स्थिर है। अगर हम बहुत जल्दी से बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है वह 337, ओबीसी 324, एससी 282, एसटी 229, ईडब्ल्यूएस 323 और यहाँ का जो पेड वाला कट ऑफ है वह भी 324 पर स्थिर बना हुआ है। वहीं अगर महिला महाविद्यालय के कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ भी किसी कैटेगरी में इंडेक्स लो नहीं हुआ है, नीचे नहीं गया है और वह कट ऑफ पिछले कट ऑफ पर ही स्थिर है। यानी जनरल का कट ऑफ 323, ओबीसी 302, एससी 254, एसटी 212, ईडब्ल्यूएस 305 और यहाँ पेड का एडमिशन अभी भी 315 पर रुका हुआ है। अब अगर हम जल्दी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में बात करें तो एफिलिएटेड में अगर हम वीकेएम की बात करें तो वीकेएम में जनरल का कट ऑफ एक अंक की गिरावट के साथ अब 243 से लुढ़क कर अब 242 पे चला गया है। वहीं ओबीसी के कट ऑफ में 2 अंकों की गिरावट हुई है और यह 222 से खिसक करके अब 220 पर चला गया है। अगर एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो 122 से 14 अंकों की भारी गिरावट के साथ अब यह 108 पर पहुंच गया है, जबकि एसटी के कट ऑफ में कोई भी गिरावट नहीं हुई है और यह अभी भी 49 पर स्थिर है। बात ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की करें तो 3 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 219 से लुढ़क करके 216 तक पहुंच गया है। और अगर वीकेएम में हम पेड के बारे में बात करें तो यहाँ 275 पर पेड में एडमिशन किया जा रहा है। वहीं वीसीडब्ल्यू के बारे में बात करें तो वीसीडब्ल्यू में जनरल का कट ऑफ 243 से 1 अंक के मामूली गिरावट के साथ 242 पर पहुंच गया है। वहीं ओबीसी के कट ऑफ में भी 2 अंक की गिरावट हुई है और यह 222 से खिसक कर 220 पर आ चुका है, जबकि एक बार फिर एससी के कट ऑफ में 16 अंकों की भारी गिरावट हुई है और अब यह कट ऑफ 124 से लुढ़क करके 108 पर आ चुका है। एसटी के कट ऑफ में एक बार फिर यहाँ पर कोई गिरावट नहीं हुई है और
इसका जो कट ऑफ है, जो इंडेक्स है, अभी भी 96 पर स्थिर बना हुआ है, जबकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में दो अंक की गिरावट के साथ अब यह 219 से खिसक करके 217 पर चला आया है। बात VCW में पेड सीट के करें तो यहाँ पर जो पेड सीट का एडमिशन है वो 273 पर किया जा रहा है। जल्दी से AMPG के कट ऑफ पर बात करें तो यहाँ जनरल का जो कट ऑफ है वहाँ पर कोई भी गिरावट नहीं हुई है, यानी अभी भी 242 पर रुका हुआ है जनरल का कट ऑफ, जबकि OBC के कट ऑफ में एक अंक की मामूली गिरावट के साथ अभी यह 222 से 221 यानी 221 पे पहुंच गया है, जबकि SC का कट ऑफ एक बार फिर 14 अंकों की भारी गिरावट के साथ 125 से लुढ़क कर 111 तक पहुंच गया है। बात SC के कट ऑफ की करें तो यहां किसी भी अंक की गिरावट नहीं हुई है और अभी भी यह 55 पर स्थिर है, जबकि EWS के कट ऑफ में दो अंक की गिरावट हुई है और यह 219 से दो अंक लुढ़क कर अब 217 पर पहुंच गया है। बात AMPG में अगर पेड सीट की करें तो यहां पर पेड सीट का एडमिशन 267 पर किया जा रहा है। अब जल्दी से DAV के कट ऑफ पर एक नजर डालें तो एक अंक के मामूली गिरावट के साथ जनरल का कट ऑफ 290 से खिसक करके 289 पर आ गया है, जबकि OBC के कट ऑफ में भी दो अंक की गिरावट हुई है और 287 से लुढ़क करके अब 285 पर आ चुका है। SC के कट ऑफ में चार अंक की गिरावट हुई है और यह अब 247 से लुढ़क करके 243 पर पहुंच चुका है। वहीं ST कैटेगरी की बात करें तो यहां 203 से 17 अंकों की भारी गिरावट के साथ अब यह 186 तक पहुंच गया है। EWS के कट ऑफ में भी दो अंक की गिरावट हुई है और यह अब 288 से लुढ़क करके 286 पर चला गया है। बात DAV में अगर पेड सीट की करें तो यहां पर 298 पर एडमिशन किया जा रहा है। अब बिना देर के हम लोग BA आर्ट्स के कट ऑफ की बात करें, जो 13वें राउंड का कट ऑफ है BHU मेन कैंपस यानी FMC एंड महिला महाविद्यालय के लिए रेगुलर एंड पेड के लिए कल यानी 16 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित किया गया है। इसको अगर हम लोग समझें तो FMC में जनरल का कट ऑफ अभी भी 309 पर रुका हुआ है, OBC अभी भी 298 पर रुका हुआ है, जबकि SC कैटेगरी में एक अंक की मामूली गिरावट के साथ अभी यह 252 से 251 पर चला गया है। ST के कट ऑफ में भी एक अंक की गिरावट हुई है और यह 185 से लुढ़क करके 184 पर चला गया है, जबकि EWS के कट ऑफ में दो अंकों की गिरावट हुई है और यह अब 297 से लुढ़क करके 295 तक चला गया है। वहीं यहां पर यानी FMC में अभी भी पेड में एडमिशन 299 पर किया जा रहा है। बात जल्दी से MMB की करें, महिला महाविद्यालय की करें, तो यहां जनरल कैटेगरी कट ऑफ में एक अंक की मामूली गिरावट आई है और यह 291 से लुढ़क कर 290 पर चला गया है। वहीं एक अंक की गिरावट OBC कैटेगरी में भी हुई है और कट ऑफ 276 से लुढ़क करके 275 पे चला गया है। SC के कट ऑफ में भी एक अंक की गिरावट हुई है और यह 216 से लुढ़क करके 215 पे चला गया है। वहीं ST के कट ऑफ में तीन अंकों की गिरावट हुई है और यह 164 से लुढ़क करके 161 पर चला गया है, जबकि EWS के कट ऑफ में एक अंक की गिरावट हुई है और यह 285 से अब खिसक करके 284 पर चला गया है। बात MMB में पेड सीट की करें तो इसमें एक अंक की गिरावट हुई है और इस समय 289 से लुढ़क करके यह 288 पर चला गया, यानी महिला महाविद्यालय आर्ट्स में 288 पर पेड सीट में एडमिशन किया जा रहा है। जल्दी से अगर हम 10वें राउंड एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए बात करें, यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो 10वें राउंड का कट ऑफ कल यानी 16 नवंबर 2022 को जारी किया गया था उसके ऊपर बात करें, उसके कट ऑफ को समझें, तो सबसे पहले अगर हम VKM की बात करें तो VKM में जनरल का कट ऑफ 6 अंकों की गिरावट के साथ अब 207 से 201 पर पहुंच गया है। OBC के कट ऑफ में भी 7 अंक की गिरावट हुई है और 172 से लुढ़क करके अब 165 तक पहुंच गया है। यहाँ SC और ST कैटेगरी में किसी भी तरह की गिरावट नहीं हुई है और SC अभी भी 51 पर, जबकि ST अभी भी 67 पर एडमिशन हो रहा है। साथ ही साथ EWS के कट ऑफ पर एक नज़र डालें तो भारी
अंकों की यानी 10 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 182 से लुढ़ककर 172 तक पहुंच गया है, जबकि वीकेएम में पेड सीट का एडमिशन 173 पर किया जा रहा है। बात अगर हम VCW की करें तो VCW में जनरल का कटाफ अब 207 से लुढ़क करके 201 पे पहुंच गया है, जबकि OBC के कटाफ में भी 7 अंक की गिरावट हुई है और 172 से 7 अंक लुढ़क करके अब 165 पर चला गया है। यहाँ भी SC और ST कैटेगरी के कटाफ में कोई गिरावट नहीं हुई है और यहाँ अभी भी SC 51 जबकि ST कैटेगरी का एडमिशन 95 पर किया जा रहा है। एक बार फिर EWS के कटाफ में 10 अंकों की भारी गिरावट हुई है और यहाँ एडमिशन 182 से लुढ़क करके 172 पर किया जा रहा है, जबकि VCW में पेड सीट पर एडमिशन 173 पर हो रहा है। बात AMPG की करें तो AMPG में जनरल के कटाव में 1 अंक की मामूली गिरावट हुई है और यह अब 214 से लुढ़क करके 214 से लुढ़क करके, कृपया इसे एक बार फिर से सुन लें कि AMPG में जो जनरल का कटाव है उसमें कोई भी गिरावट नहीं हुई है और यहाँ अभी भी एडमिशन 214 पर किया जा रहा है, जबकि OBC के कटाफ में 7 अंक की गिरावट हुई है और यह 176 से लुढ़क करके 169 पे पहुंच गया है। यहाँ भी SC और ST के कैटेगरी में कोई भी गिरावट नहीं हुई है और यहाँ कटाफ अभी भी 74 और 104 पर स्थिर है, जबकि EWS के कटाफ में 4 अंक की गिरावट हुई है और यह 186 से लुढ़क करके 182 पर पहुंच गया है। यहाँ यानी AMPG में जो एडमिशन है पेड सीट का हुआ 175 पर किया जा रहा है। बात DAB की करें तो DAB में जनरल का कटाफ 6 अंकों से लुढ़क कर अब 278 से 272 पर आ गया है। OBC का कटाफ भी 6 अंक लुढ़क करके 275 से 269 पर आ गया है, जबकि SC के कटाफ में 5 अंक की गिरावट हुई है और यह 231 से लुढ़क करके 226 पर आ गया है। वहीं ST कैटेगरी में भी 6 अंक की गिरावट के साथ अब इसका कटाफ 136 से लुढ़क करके 124 पर जा पहुंचा है, जबकि EWS के कटाफ में भी 6 अंकों की गिरावट हुई है और यह कटाफ अब 276 से घिसक करके अब 270 तक चला गया है और DAB में जो पेड सीट का एडमिशन है वो 276 पर किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कटाफ में आने वाले दो मैंने दोनों कटाफ बताए, दोनों कटाफ में आने वाले स्टूडेंट्स को उनके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। आप अपनी फीस डेडलाइन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर आप जमा करें। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।